हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस, क्या आप भी यूट्यूब पर जाने पर, आपको भी यूट्यूब में एंटर करने पर आपको कुछ यूअर वॉच हिस्टोरी इज ऑफ इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स उसके जस्ट नीचे आपको अपडेट सेटिंग का भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने डीएम किया था इंस्टाग्राम पर कि निमान भाई, जब भी हम अपने यूट्यूब पर एंटर करते हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ यूअर वॉच हिस्टोरी इज ऑफ करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है और नीचे कुछ अपडेट सेटिंग करके लिखा हुआ आ रहा है। इसको कैसे हटाएं और ये क्या है एक्चुअल में? तो फ्रेंड्स, ये अभी नई नई अपडेट आई है, तो इसको मैं आपको बताऊँ कैसे इसको आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलूँगा। यहाँ पर आपको साइड में नज़र बनाए रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल के यूट्यूब पर ले चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको ठीक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब में एंटर करता हूँ। यूट्यूब पर जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर टैप करना है। प्रोफाइल पर टैप करने के बाद, ठीक है, यहाँ से आपको एक दिख रहा होगा, जस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेटिंग, तो सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ओके, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर मैनेज ऑल हिस्टोरी वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मैनेज ऑल हिस्टोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपको जो भी आपकी आईडी लॉगिन है यहाँ पर उसको लॉगिन कर लीजिए, या पहले से लॉगिन है तो एक ही चैनल तो काफ़ी बात है फिर तो। ठीक है, सबसे पहले आपको इस तरह से लॉगिन लेगा तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा, एक सेकेंड, आपको किस तरह से इंटरफेस खुल रहा होगा, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको इसको। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से लिखा हुआ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप मैनेज ऑल हिस्टोरी पर क्लिक करते हैं और अपने चैनल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मतलब चैनल पर एंटर होते हैं तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, देखिए, नो सेविंग यूअर यूट्यूब हिस्टोरी, इस तरह से आपको कुछ लिखा हुआ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर देखिए आपको ऑफ वाला एक निशान दिख रहा है, मतलब आपकी जो वॉच हिस्टोरी है, मतलब आपकी जो YouTube की वॉच हिस्टोरी है वो जो ऑफ है, तो इसको आपको टर्न ऑन कैसे करना है। यहाँ पर जो टिक दिख रहे हैं इनको एक एक करके टिक करके आपको यहाँ पर टर्न ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है, तो स्क्रॉल करने के बाद आपको टर्न ऑन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर टर्न ऑन कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको ओके करके फिर से यहाँ पर एक और ये निशान दिख रहा है, यहाँ पर एक और पर टिक कीजिए, उस पर टिक करने के बाद जस्ट आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको टर्न ऑन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको फिर से ओके वाला निशान आता है। इसके बाद अब आपको थोड़ा सा बैक आना है, इस YouTube से आपको बिल्कुल बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद में आपको इस तरह से क्लियर कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमाइज़ कर देना, इसको एक एक करके सबको हटा देना है, जो जो आपने फंक्शन जो है ओपन किए तो उनको सबको इस तरह से क्लियर कर देना। अब आपको यहाँ से अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर लेना है, मतलब स्विच ऑफ कर लेना आपका अपना मोबाइल। स्विच ऑफ करने के बाद में फिर से आपको उसको ऑन करना है, 100% आपकी जो YouTube की ये जो प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स्ड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर ठीक हुई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आपको हर आने वाली अपडेट जो है इसी प्रकार हमेशा यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को है, ये YouTube की जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।